हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग? अभी सुबह सुबह का टाइम है और मेरी बेटी है वो जस्ट सो रही है और मैंने सारा काम निपटा लिया है। बस बेटे को स्कूल लेने जाना है तो अभी थोड़ी सी शांति थी घर में। मैंने सोचा कि वीडियो फटाफट से बना लेती हूँ, नहीं तो बेटे को लेके स्कूल से आ जाऊँगी तो फिर तो वीडियो बनाना छोड़ो, एक फ़ोन भी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आज वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि नहीं बनाती हूँ तो फिर हफ्ते 5 दिन, हफ्ते 10 दिन लेट हो ही जाते हैं। तो आज मैं सारी चीज़ें निपटा के वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे पीडी मर्चेंट के बारे में कि पीडी मर्चेंट क्या होते हैं। पीडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो मर्चेंट हमारे इंडस्ट्री में दो तरीके के होते हैं, एक पीडी मर्चेंट होते हैं और एक प्रोडक्शन मर्चेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पीडी मर्चेंट के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और पीडी मर्चेंट के बारे में बात करेंगे वो कॉस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए कॉस्टिंग, उसके बारे में भी बात करें क्योंकि आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास सामने एक शर्ट पड़ा है, मेरे बेटे का शर्ट है, छोटा सा है। तो आज मैं इसकी कॉस्टिंग करके आपके सामने मैं बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ पेन कॉपी अपने पास रख लो और चीज़ों को नोट कर लो, फिर बाद में ये नहीं बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं, क्योंकि मेरे पास आप लोग समझ सकते हैं इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें लिख लिख करके पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे बताऊँ। तो यहाँ पे वर्बली मैं आपको बता रही हूँ और आप अपने यहाँ नोट करो, उसको लास्ट में उसको आप लोग उसमें सारी चीज़ें फॉर्मूला वगैरह लगा के देखो। फॉर एक मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है कॉस्टिंग के बारे में, जहाँ पे मैंने जो मेरी अपनी पर्सनल जो कॉस्टिंग की शीट होती थी, जो मैं जिस फैक्ट्री में भी जाती थी उसको यूज़ करती थी, उसी पे मैं कॉस्टिंग करती थी। एक्सेल की शीट है वो, मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको फॉर्मूला की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाना और आप कॉस्टिंग की शीट को सर्च करना। अभी मैं वर्बली आपको बता रही हूँ कि कॉस्टिंग क्या कैसे की जाती है, क्या क्या इसमें हमें ऐड करना होता है पीडी में, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। मतलब वो ऑर्डर का स्टाइल नहीं है, आपने सैम्पलिंग करा ली है, बेसिक सा समझो कि आपने कोई सैम्पल, जैसे मैंने ये सैम्पल बनवा लिया है, आपने बायर को भेज दिया है, अभी ऑर्डर वगैरह की इंक्वायरी नहीं हो रही है, लेकिन अपनी फाइल बनाने के लिए, मतलब फाइलिंग के लिए हम रख रहे हैं रिकॉर्ड के लिए कि भैया हमने ये स्टाइल डेवलपमेंट बनाया, और हमारे या फिर शोरूम का सैंपल है, या हमने डेवलपमेंट बनाया ऑर्डर का, या फिर बायर ने हमसे डेवलपमेंट कुछ, बायर भी कुछ स्टाइल देता है भैया डेवलप कराओ, तो हमने डेवलपमेंट करा के उसको भेज दिया, लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए हमने इसकी कॉस्टिंग कर रखी है कि अगर इन फ्यूचर इस पर क्वेरीज आती है तो हम उस कॉस्टिंग को जाके एक बार देख लें, फिर आगे जो भी करना होगा करते हैं। तो ये है मेरा डेवलपमेंट का सैंपल, मान लो बच्चे का शर्ट है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, मास्टर जी से इसका एवरेज लोगे, ठीक है। मास्टर जी आपसे पूछेंगे जी कितने, तो मिनिमम 500 पीस का बोल दो कि मास्टर जी 500 पीस मिनिमम 500 पीस मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्टाइल है तो मिनिमम जो फैब्रिक है वो भी तो हमें मीट करना होता है ना, नहीं तो फैब्रिक अगर हमारा मिनिमम नहीं होगा, सैम्पलिंग चार्ज लग जाएगा, कपड़े पे प्रोडक्शन चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो मास्टर जी से जब भी आप एवरेज निकलवाने जाओ, उनको ज़रूर बताओ कि मास्टर जी इस पीस का जो एवरेज है मुझे 500 पीस 1000 पीस, मतलब जो भी आपका एक रेशियो है, टेंटेटिव एक क्वांटिटी मान के चलो 500 पीस का, मान लो आपने मास्टर जी से बोल दिया कि मास्टर जी 500 पीस का मुझे ये, तो मास्टर जी आपसे ये पूछेंगे छोटी विड्थ या बड़ी विड्थ, कपड़े का विड्थ क्या दोगे, तो आप बोल दो मास्टर जी ऐसा है दोनों विड्थ पे आप मुझे दे दो, छोटी विड्थ बड़ी विड्थ दोनों पे आप मुझे इसका एवरेज दे दो, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। मास्टर जी से आपने इसका एवरेज लिया 500 पीस का, आप लोग नोट करते जाओ, डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि बार बार फिर एक ही टॉपिक पे डिस्कस करना, फिर आप लोगों को मैडम जब देखो तो ये वीडियो बनाते हो, तो नोट करते जाओ। 500 पीस आपने क्वांटिटी बताई है मास्टर जी से, दोनों विड्थ पे, छोटी विड्थ पे मतलब 42 इंच पे भी आपने, 42 इंच पे भी और 56 इंच पे भी आपने, दोनों छोटी बड़ी विड्थ दोनों पे आपने इसकी एवरेज निकाली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टोर में फैब्रिक वाले के पास जाओगे, जो आपका फैब्रिक का इंचार्ज होगा, स्टोर होगा, उसके पास जाओगे। देखो पीडी के क्या होते हैं कि आप जब प्रोडक्ट डेवलप कराते हो तो आप बिल्कुल न्यू होते हो, ठीक है। तो आपको अपने से करने से बेहतर है कि आप जरूर अपने स्टोर वाले, ठीक है आपको पता है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने स्टोर वाले से, क्योंकि कल को आप कपड़े का प्राइस कुछ और ले लोगे, फिर बाद में बताएंगे जी ऐसा है तो इतना महंगा है, फिर आपके ऊपर आएगा। स्टोर वाले के पहले अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो, फिर आप अपने कंप्यूटर पर बैठो, अगर मैनुअल करते हो तो अपनी पेन कॉपी लेके बैठो,
ठीक है। तो पहले सारी चीज़ें जहाँ पे सब फैली हुई हैं वहाँ से आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। स्टोर वाले के पास जाओ, फैब्रिक का पूछो कि ऐसा है इस स्टाइल का, ये वाला मुझे कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा मेरा, ये जो शर्ट है ये ट्विल है, कॉटन ट्विल। तो आप बोलो कि ये जो कॉटन ट्विल मेरा ये कपड़ा है और ये किस विड्थ पे कपड़ा आता है मुझे, मतलब जब मास्टर जी ने आपको एवरेज दे दिया तो आप 500 पीस का आप क्वांटिटी निकाल सकते हो कि 500 पीस के लिए मुझे इतने मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, ठीक है, 200, 500, 1000 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी 500 पीस के लिए इस विड्थ पे, मतलब छोटी विड्थ बड़ी विड्थ, ठीक है। अब आप स्टोर वाले के पास जाओगे कि मुझे कॉटन ट्विल कपड़ा चाहिए 42 इंच विड्थ पे और 56 इंच विड्थ पे, इतनी मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या ये प्रोडक्शन रेट पे मिलेगा या फिर आपका सैम्पलिंग रेट पे, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे कि नहीं हमारी प्रोडक्शन रेट पे मिलेगा क्योंकि कपड़े की हम मिनिमम क्वांटिटी को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको प्राइस देगा कपड़े की, अगर आपका सॉलिड है तो वो आपको सॉलिड का बुलाएगा कि भैया ग्रे हमारा इतने, तो आप बेहतर ये है ना कि आप उसे एक सिर्फ बना बनाया खीर लाए खाने से बेहतर है कि आप उसे डिटेल में कि भैया ग्रे कितने मीटर आता है, फिर आप डाइंग का कितना आप चार्ज लेते हो, अगर प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग में क्या चार्ज लगते हैं, सारे डिटेल अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, फ्यूचर में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आने लगती हैं। तो आप उससे कपड़े का अपने प्राइस पूछ लिया, अगर इसमें कोई ट्रिम्स लग रही जैसे बटन वटन लग रहा है तो आप उसको दिखा दो कि भैया ये नेचुरल बटन है, जैसे इसमें ना, इसमें ये नेचुरल बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप उससे पूछो भैया ये वाला बटन लगा है, इस बटन का मुझे एक पीस में जैसे लग रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक में 6, एक एक्स्ट्रा लेके 7, एक पीस में 7 बटन लग रहे हैं और तो 500 पीस के लिए मुझे इतने बटन की ज़रूरत है, इंक्लूडेड 2%, 3% एक्स्ट्रा के साथ आपको इतना बटन चाहिए, तो मुझे क्या रेट में मिलेगा। तो बटन का आपने प्राइस ले लिया, ठीक है। और लेबल्स का प्राइस आपको पता ही चलता है या आपको नहीं पता तो भी स्टोर वाले से पूछ लो कि ये वाला बटन लेबल है मेरा, वॉश केयर मेन लेबल, हैंग टैग, पॉली बैग, इन सब का। फिर आप अपना कॉस्टिंग पे बैठ जाओ, कॉस्टिंग में आपने एवरेज ले लिया, एवरेज के हिसाब से फैब्रिक लिया, आपका वो फॉर्मूले के साथ निकल गया। ट्रिम्स आपको एक मानक मान के चलना होता है, जब आप निकालते रहते हो तो पता चल जाता है कि इस बायर का इतने ऑर्डर का ट्रिम्स मुझे 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, आप ट्रिम्स का आपको ऐड करना है। इसमें जो फैब्रिक लग रहा है, इसमें बटन लग रहा है, बटन का आपको, अगर ये स्टाइल आपका टेस्टिंग का है तो आप टेस्टिंग चार्ज भी इंक्लूड करो साथ में। आप इसमें आपने सारी चीज़ें ले ली, फिर आप इसका वॉशिंग का भी ज़रूर लो कि वॉशिंग कितने रुपए की लगती है, वॉशिंग, पैकिंग, फिनिशिंग सबको एक साथ इंक्लूड कर लो, कम से कम 30 से 40 रुपये आप वॉशिंग, फिनिशिंग एंड पैकिंग, इन तीन चीज़ों का एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन सबको, तीन चार चीज़ों को मिला के आप कम से कम 40 रुपये लो। उसके बाद आप इसका CMT मतलब इसका स्टिचिंग चार्ज, मतलब कटिंग एंड स्टिचिंग CMT कितनी लगेगी, इस पीस का क्या होगा। आप एक काम करो, आप अपना जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसके पास जाओ, प्रोडक्शन मैनेजर के उनको दिखाओ कि ये वाला स्टाइल है, मुझे 500 पीस बनवाना है, तो इसका CMT, इसका कटिंग और स्टिचिंग क्या लगेगा, उससे पूछो और वो बता देगा, फिर वो आप ऐड करो। साथ में आप अपना फैक्ट्री एक्सपेंस भी ऐड करोगे तो फैक्ट्री एक्सपेंस आप 50 रुपये, 60 रुपये जैसा है आप उस हिसाब से ले लो, अपने बॉस से पूछ लो, अपने सीनियर से पूछ लो। और साथ में आप अगर डॉलर है और 2% कट वेस्ट भी आप 2-3% आपका जो फैक्ट्री जो चार्ज करती है उसके हिसाब से आप लो, और प्लस आप डॉलर में कन्वर्ट करना है, यूरो में, पाउंड में, उसका करेंट आप चार्ज लेके एक आप इसको कन्वर्ट कर लो और निकल के आ गई आपकी कॉस्टिंग। तो इस तरीके से कॉस्टिंग करो, काम करो, बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं हुआ नहीं है, बस ये है कि एक तरीके से काम करोगे तो आपको काम भी अच्छे से लगेगा और आपको नॉलेज भी होगी और काम आपका परफेक्ट होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी से ढेर सारे सब्सक्राइबर बढ़वा दो, मेरी भी एक यूट्यूब पर अच्छी सी ढेर सारी फैमिली बन जाए। तो चलो, थैंक यू सो मच।